इडली सांभर और चटनी, वाह, परफेक्ट और हेल्दी फूड। वो कहते हैं ना, सबकी इडली अच्छी नहीं बनती है, बट मुझे किसी ने कुछ टिप्स दी थी इडली बनाने की और उसके बाद से मेरी इडली हमेशा परफेक्ट बनती है और वो टिप्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आपको लेने हैं 3 कटोरी चावल, टूटा वाला या नॉर्मल वाला चावल ही लीजिएगा, बासमती राइस लेने की जरूरत नहीं है, इसे अच्छे से धो लें। एक कटोरी उड़द की दाल, थोड़ा सा मेथी दाना और इसको अच्छे से धो लें। और फिर इन दोनों को पानी में भिगो के रखना है कम से कम 12 घंटे के लिए। अगर मौसम ठंडा है तो आप इसको एक दिन के लिए भी भिगो सकते हो। अच्छे से अगर ये फूली है तभी ये पिसेगा। अप्रॉक्स 15 घंटे के बाद ये काफी अच्छे से फूल चुका है और अब हम इसको धो के पीसेंगे। इसमें एक चीज का मेन ध्यान रखना है, ये जो पेस्ट पिसेगा ना, काफी महीन होना चाहिए, बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए और ये पतला भी नहीं होना चाहिए, जैसे चटनी या रायता पतला होता है ना, ऐसा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा मगर सॉफ्ट महीन पेस्ट होना चाहिए। अगर आपसे पेस्ट नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, मगर ज्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसको 8 से 10 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रखना है और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। 8 घंटे के बाद खमीर उठ चुका है, ये काफी फ्लफी हो चुका है। अब हम बनाएंगे इडली इडली के स्टैंड में। इडली का जो कुकर है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले ही पानी को गर्म कर लेंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है मैं सांभर के लिए भी कुछ सब्जियां काट लेती हूँ। सांभर के लिए लौकी कद्दू बैंगन लिया है, बाकी तड़के और चटनी के लिए मैंने अदरक मिर्च टमाटर लिए। नारियल की चटनी बनेगी। बैगन आप छोटे वाले भी ले सकते हो, कैसे भी बैगन ले सकते, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटिएगा। मैं इतनी लौकी ले रही हूँ। इडली का जो पेस्ट है उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा गरम पानी, बहुत थोड़ा सा, और इसमें 1-2 पिंच खाने वाला सोडा, थोड़ा सा, और अब इसको अच्छे से फेंटना है। आप इसको देखो, थोड़ा सा थिक पेस्ट है तो इसमें नीचे कुछ लोग रिफाइन ऑयल लगाते हैं या बटर लगाते हैं जिससे इडली चिपके नहीं, मैं देशी घी लगा रही हूँ। सारे में लगाने के बाद इडली के पेस्ट को हमें इडली के सांचे में भरना है। अब इसको बंद करके मीडियम आंच में 20 मिनट्स तक पकाएंगे। 20 मिनट का आप अलार्म लगा लीजिए और बाकी काम करिए, मैं तब तक सांभर बनाती हूँ। थोड़े बड़े पीसेस में ही रखेंगे वरना ये गल जाएगा और फिर दिखेगा भी नहीं सांभर। सारी सब्जियां काटने के बाद अच्छे से धो लें। सांभर बनाना बहुत ईजी है, 1 कटोरी अरहर की दाल ली, अच्छे से धो ली और उसमें बाकी सारी सब्जियां भी डाल दी। हल्दी,
नमक, पानी ज़्यादा ही पड़ेगा, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इडली में बस 5 मिनट बचे हैं, सांभर में 3 सीटी लगेगी और तड़का लगेगा, तब तक हम चटनी भी बना लेते हैं। नारियल को इस तरीके से घिस लें, कद्दूकस कर लें और इसको 10-15 मिनट के लिए दूध में डिप करके रखेंगे, इससे थोड़ा फूल जाएगा। इसमें कभी भी दही नहीं डालते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर लेते हैं। कभी भी इडली जो बनती है उसको तुरंत नहीं खोलना चाहिए, 5 मिनट जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही खोल। इडली काफी सॉफ्ट और फ्लफी बनी है, अभी हम इसको फिलहाल कवर कर देते हैं। अगर हम गरम गरम इडली निकालने लगते हैं ना तो इडली टूटने लगती है, थोड़ी ठंडी हो जाने पे ये सेट हो जाएंगी, तब निकालेंगे। इधर दाल पक गई है। नारियल की चटनी में नारियल के अलावा आप भुंजा हुआ चना या मूंगफली, इन दोनों में से किसी एक चीज को डालोगे। तो मूंगफली मैं भूंज के पीस ले रही हूँ। भीगा हुआ नारियल अब इसमें डालेंगे। जार छोटा पड़ रहा था तो मैंने बड़ा वाला जार ले लिया है। अदरक, मिर्च, धनिया डालेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने स्वाद के अनुसार नमक, और अच्छे से पीस लेंगे। बढ़िया ही करी पत्ता, लाल मिर्च का तड़का लगेगा, दैट्स इट। अब हम बनाते हैं लाल चटनी, सरसों के तेल में खड़ी वाली, थोड़ी सी लाल मिर्च, अदरक, मिर्चा और नारियल का बुरादा। अगर आप चाहें तो प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा, मैं बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ। 2 कटे हुए टमाटर, हींग थोड़ी सी और स्वाद के अनुसार नमक, और इसको अच्छे से पका लें। हम लोग तीखा ज्यादा खाते हैं, लाल वाली तीखी अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड कर रही हूँ। और अब बस इसको अच्छे से पीस लेंगे। दाल वाली चटनी भी तैयार हो गई है, दाल पक गई है, अब इसमें हम सांभर का तड़का लगाएंगे। बड़ी राई, छोटी राई, मेथी, सौंफ, जीरा, सरसों का तेल लेंगे थोड़ा सा, ये सब डालेंगे, हींग, अदरक, मिर्चा, करी पत्ता, टमाटर, और सांभर मसाला। सांभर मसाला आप कोई भी ले सकते हैं। सांभर में सबका अपना अपना टेस्ट होता है, मगर मुझे लगता है कि सांभर थोड़ा सा खट्टा चटपटा होना ही चाहिए, इसलिए इसमें इमली डालेंगे। खट्टे के लिए आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो, लेकिन जो स्वाद इमली का आता है वो किसी में नहीं आता है। सांभर में मैं थोड़ा सा पानी और बढ़ाकर इसको और बॉयल करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पतला होना चाहिए सांभर। आज हमने डिसाइड किया कि हम केले के पत्ते पे ही खाएंगे, टिपिकल ऑथेंटिक वाली फीलिंग आनी चाहिए। इसे धोकर कट कर लिया है और सेट कर लेते हैं। सांभर रेडी है, गजब खुशबू आ रही है अच्छी वाली। इडली सर्व करने का टाइम आ गया है, इसको धीरे धीरे करके निकाल लेंगे, बहुत इजीली निकल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया है ना, सांभर चटनी इडली वैसे एग्जैक्टली आप बनाकर देखना। लाल वाली चटनी में आप प्याज लहसुन डाल सकते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, अदरवाइज सांभर में प्याज लहसुन डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डालिएगा, ऐसे ही बनाइएगा, बहुत टेस्टी ऑथेंटिक फूड लगता है। जिसको इडली पसंद है ना उसके मुंह में तो पानी आया ही होगा।
आप बनाएं, खाएं और खिलाएं और मुझे बताएं कि कैसी बनी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।